कुछ ये नया दिख रहा है, इसके बारे में बताओ थोड़ा अंकल। ये कैरी का पानी है, लेकिन अब लगता है ये सिस्टम खत्म होने वाला है, क्योंकि आज मैंने क्या ही बताओ, जब एक बज जाता है ना तब मेरे को खाने पीने के लिए होटल ही नहीं दिखता है। तो जय हिंद जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब कैसे हो, आई होप कि सब एकदम बढ़िया मस्त एंड खुश हो। तो आज है मेरा डे 182 और कल जो है ना मैंने इस गुरुद्वारा पे स्टॉप ले रखा था राइट को, तो सुबह सुबह उठ के चेतक को मस्त पैक करा चुका हूँ और मैं भी एकदम ब्रश व्रश करके रेडी हो चुका हूँ राइड के लिए। और अभी जो टाइम हो रहा है कुछ 8:31, और आज का मौसम देख सकते हो थोड़ा बहुत बारिश टाइप का हो रहा है, पता नहीं बारिश आएगा कि नहीं। बाकी इस मौसम में ना गर्मी बहुत लगता है, धूप बेशक नहीं है लेकिन गर्मी अंदर से बहुत लगता है। तो जो भी है आज का राइड को भी स्टार्ट किया जाए। तो जय श्री राम का नाम लेके आज का भी राइड को कर दिया हूँ स्टार्ट, और यहाँ से भोपाल का दूरी है 270 किलोमीटर। तो देखते हैं कितना दिन में पहुँच पाते हैं। और अभी मेरे को करना है नाश्ता वगैरह, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 8:30 बज चुका है। थोड़ा टाइम और वेट करता तो गुरुद्वारा से ही हो जाता लंगर, लेकिन गुरुद्वारे में 10:30 होता है तो इतना टाइम वेट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत राइड कम हो पाएगा दिन भर में। तो अभी देखते हैं नाश्ता वास्ता क्या मिलता है कहाँ पर। गुरुद्वारा के पास ढाबा वगैरह तो बहुत सारा था, लेकिन वहाँ पर नाश्ता किया नहीं हूँ। छोटा मोटा दुकान ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर थोड़ा बहुत हल्का सा ब्रेकफास्ट मिल जाए, ये सब दुकानों पे सब महंगा ही होगा। और साथ में गैस ले रखा हूँ, लेकिन गैस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों मेरा सब लीक हो रहा है गैस, और पूरा कपड़ा वगैरह सब कुछ बदबू हो रहा है गैस। मेरे को लगता है गैस को रिटर्न करना पड़ेगा किसी दुकान पे, नहीं तो पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे को बुटीन गैस लेना पड़ेगा, छोटा वाला 2 लीटर वाला बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। कुछ 5-6 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद एक छोटा सा दुकान मिल चुका है नाश्ते के लिए, ये देख सकते हो। तो इधर इसे ले लिया 4 कचौरी, कुछ 30 रुपये का पड़ा, तो इसे ही मस्त खाते हैं अभी। ब्रेकफास्ट करके निकल चुका हूँ, और कोई कमेंट कर रहा था कि भाई तुम अपने वीडियो में सिर्फ खाना पीना ही दिखाते हो, इसके सिवा कुछ दूसरा दिखाते ही नहीं हो। तो जब हाईवे में चलता हूँ तब दिखाने के लिए और कुछ होता ही नहीं है, जैसे देख लो अभी हाईवे में चल रहा हूँ, इसमें दिखाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ साइकिल चलाता जाना है। जब खाने पीने के लिए रुकता हूँ वही दिखाता हूँ, और उसी में अच्छा खासा व्यूज़ भी आ जाता है, और जो मैं फोर्ट वगैरह घुमा के दिखाता हूँ उन सब में व्यूज़ ही नहीं आता है। जैसे आप लोग चेक कर लेना मेरे चैनल पर जाके, ग्वालियर फोर्ट, झांसी फोर्ट, ओरछा, ये सब घुमा के दिखाया, उन सब में व्यूज़ ही नहीं है। जो साइकिल चला के मैं रोड से जाता हूँ उसमें मिनिमम 1K व्यूज़ आ ही जाता है। तो आप लोग ही डिसाइड करना मैं किस टाइप का वीडियो बनाऊँ, बाकी कोई नहीं ये सब तो चलता ही रहेगा, तो मैं अभी चलाता रहता हूँ। साइकिल चलाता हुआ जा रहा था तो मेरे को दिखा एक भैया गन्ने का जूस बना रहा है, तो उधर से 20 रुपये दे के एक गिलास गन्ने का जूस पी लिया। और आज धूप तो नहीं है लेकिन मौसम पता नहीं कैसा कर रखा है, बारिश जैसा, और गर्मी भी लग रहा है, इसीलिए जूस पी के मन को थोड़ा ठंडक दिला के थोड़ा सा आगे जाके हेलमेट खोल के मैंने हैट पहन लिया, क्योंकि धीरे धीरे सूर्य देवता भी निकलना चालू हो गया था। पहन के थोड़ा सा और साइकिल चलाते ही मेरे को दिखा 2 पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप देखते ही मेरे को पानी प्यास लग जाता है, तो मैंने जाके वहाँ पर पानी भर के पानी पिया। फिर पेट्रोल पंप के साथ ही में था एक पैसेंजर शल्ट, तो वहाँ बैठ के मैंने कुछ 1-2 घंटा रेस्ट लिया। रेस्ट लेके मैं पहुँच गया एक ढाबे पे, टाइम कुछ 2:47 हो चुका है, और अब मेरे को एक खाना खाने के लिए ढाबा मिल चुका है। क्या ही बताओ, जब एक बज जाता है ना तब मेरे को खाने पीने के लिए होटल ही नहीं दिखता है, वैसे टाइम पे पूरा दिखता रहता है, लेकिन जब भी एक बजता है पता नहीं कहाँ चल जाता सब। बाकी जो भी है इधर खाने के लिए मस्त मिल चुका है, दही कुछ 40 रुपये का है और रोटी 7 रुपये पीस देख सकते हो, तो इसे मस्त खा लेते हैं, 3 बजने वाला है। खाना खा के थोड़ा टाइम रेस्ट लेके निकल चुका हूँ, और मेरे हाथ पे ना एक अच्छा ऑप्शन था कि मैं दही रोटी खा लूँ और मेरा थोड़ा कम खर्चा हो, क्योंकि दही ज़्यादा महंगा नहीं आता सब्जी के मुकाबले में, लेकिन अब लगता है ये सिस्टम ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आज मैंने 3-4 ढाबे पे गया और 3-4 ढाबे पे जो है ना दही प्लेट के हिसाब से बिक रहा था, जो कि 70-80 रुपये प्लेट, जो कि सेम दाल फ्राई की तरह ही है, दाल फ्राई भी इतने में ही आ जाता है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया दाल फ्राई और दही में, तो क्या होगा पता नहीं। बजट भी अभी एकदम लो हो रहा है, और अभी ऐसा इतना महंगाई हो रहा है इधर, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगा। बाकी कोई नहीं, मेरे को लगा था गैस को रिटर्न कर दूँगा मैं,
लेकिन अब रिटर्न नहीं कर सकता, गैस को साथ में रखना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो जितना भी परेशानी हो, एक टाइम खरीद के खा लूँगा और दो टाइम बना के, जैसा कि रात में बनाऊँगा थोड़ा ज़्यादा करके, सुबह भी चल जाएगा, दोपहर को सिर्फ खरीद के खा लूँगा, थोड़ा बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा क्योंकि इधर थोड़ा हेल्पफुल कम मिल रहा है, देख ही रहे हो आप लोग वीडियोस में मैं दिखा ही रहा हूँ। मैंने सोचा था कि विदाउट मनी ट्रैवल कर लूँगा मैं पूरा इंडिया, लेकिन बहुत मुश्किल है। जितना पैसा मेरे को साउथ में मिला था, अगर वही पैसा मैं सेव करके रखता और बीच में चोरी वोरी का सीन ना हो जाता तो हो जाता, लेकिन बीच में चोरी वोरी भी हो गया और अभी रिसेंटली घर से भी मेरे को पैसा मंगवाना पड़ा, तो विदाउट मनी का जो टैगलाइन है उससे मैं अभी हटाने वाला हूँ, नहीं हो पाएगा भाई विदाउट मनी ट्रैवल इंडिया में, घर से पैसा लगाना ही पड़ेगा। बाकी कोई नहीं, मैं अभी चलता रहता हूँ। सनसेट देखते देखते कैसे अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला और मैं भी आके पहुंच चुका था गुना नाम का सिटी में। तो यहाँ पर आते ही एक अंकल से मुलाकात हुआ जो कि मेरे आगे आगे चल रहे है बाइक पे, तो वो अंकल अपने घर पे रुकाने के लिए लेके जा रहा है मेरे को। तो अंकल ने जाना अपने घर पे लेके आया गया, तो सबसे पहले अंकल से परिचय करा देते हैं। अंकल अपना नाम बता दो। मेरा नाम दिलीप शर्मा है। हाँ। और मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हूँ। हाँ। और एक किसान मजदूर संगठन भी मैं चलाता हूँ। अच्छा। लोगों के लिए पानी की सेवा है। हाँ। अन्य सेवाएं हैं। हाँ। जो मुझसे बनता है वो मैं करता रहता। अच्छा। मेरे माता पिता की इच्छा है, बिल्कुल, उस वजह से मैं इस सेवा का काम करता हूँ। अच्छा। तो मुझे रास्ते में भाई मिला था, तो थोड़ा मौसम भी खराब हो रहा था। हाँ। पानी वानी के कुछ बूंदे आ रही, बिल्कुल। तो मैंने भाई से पूछा कि क्या आपकी सेवा की जाए। तो भाई का कहना था कि रहने के लिए कहीं जगह ढूंढ रहा था मैं, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ चलते हैं। तो अभी मेरे घर पे आए भाई, इधर ही इनकी साइकिल वगैरह रखी है और मेरी धर्म पत्नी है, यहाँ पे घर के बच्चे बाहर गए घूमने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि आप भोजन बनाओ, तो उन्होंने भी भैया से परिचय किया है, सारी जानकारी ली है, रवि ने भोजन बना दिया है, भोजन के लिए बुला रही है, खाना खाएंगे आप हम लोग साथ में। बिल्कुल। तो अभी खाना वाना खाएंगे, रुकेगा रात को, बिल्कुल रात में इधर ही रुकना है। सुबह भाई को इधर से विदा करेंगे हम, बिल्कुल। भाई अपने सफर पे जाएगा, उसको शुभकामनाएं हैं, बिल्कुल। जय श्याम। जय श्याम। तो अभी खाना खाने आया हो और खाने पे देख सकते हो कुछ चाहिए, तो ये कुछ आलू का सब्जी है ना। हाँ। ये आलू का है और कुछ ये नया दिख रहा है, इसके बारे में बताओ थोड़ा अंकल। ये कैरी का पानी है। कैरी का पानी कच्चा आम को उबाल के उसमें से निकाल के उसको पुदीना और वो सारे मसाले इसमें डाल के। हाँ। इसके लिए स्पेशल बनाया गया है। हाँ। जिससे ये गर्मी में साइकिलिंग कर रहा है ना। हाँ। तो उससे इसको पीने से इसको ठंडक आएगी। अच्छा। तो गर्मी सहन करेगा, बिल्कुल। और ये आंटी जी है, आंटी से मिला नहीं। क्या नाम है आंटी आपका? उमा शर्मा। उमा शर्मा। तो आंटी ने बनाया है ये, इसको पी के खा सकते हैं, इसे पी सकते हैं क्या? पीने के लिए बनाया है। पीने के लिए है। बहुत बढ़िया है। गोलगप्पे की पानी जैसा लग रहा है। अरे गोलगप्पा फैल है, ये गर्मी में नहीं, इसके तो गोलगप्पा फैली है, लेकिन वैसे ही टाइप का टेस्ट है, काफी मस्त है। और ये पापड़ के खुद बना रहे, पापड़ी है। अच्छा, ये खुद बना रखे हो क्या? हाँ, खुद बनाया। अच्छा, तो ये पापड़ी है, देख सकते हो। तो अभी इसे मस्त खाते हैं, काफी अच्छा खाना है, घर का खाना, बहुत दिन बाद खाना है। नहीं, बस रोटी काफी है, बिल्कुल। रोटी कच्चा अच्छा है।